हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन बिफोर यूपीसी। और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आज हम लोग उसी वर्ल्ड टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, जो जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। और वो टॉपिक है आपका रूस का यूक्रेन पर हमला। हम सभी को पता है कि आज के टाइम में जो यूक्रेन है वो रूस के जो बहुत ही प्रभावशाली अटैक है उसके अंतर्गत घिर चुका है। वहाँ की जनता जो है वो नो मोर वॉर, वी वांट पीस जैसे स्लोगन और रोड मार्च कर रही है। लेकिन आपके जो पुतिन गवर्नमेंट है या पुतिन की जो सेना है वो कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इन सब चीज़ों में देखिए दोस्तों, तो जो आपकी वेस्टर्न एलाइंस है कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को अलग कर लिया है, जिसके कारण पूरा यूक्रेन जो है वो अकेला पड़ चुका है और आज रूस के सामने बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रहा है। लेकिन हम इस पूरे टॉपिक को ना सिर्फ इस हिसाब से देखेंगे कि क्या हो रहा है, साथ ही साथ हम लोग इसको दो तीन और एंगल से देखेंगे। सबसे पहला एंगल हमारा ये रहेगा कि ये जो यूक्रेन और रूस के बीच की जो वॉर है, भारत का इस पे क्या असर पड़ने वाला है और भारत के लिए ये वो लूज लूज सिचुएशन क्यों है। दोनों सिचुएशन में उसकी हार ही है दोस्तों, यूक्रेन की तरफ से भी और रूस के तरफ से भी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये देखना होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो नाटो और जो यूएस के एलाइज जो पहले बोल रहे थे कि हम रूस से बिल्कुल लड़ेंगे, सामना करेंगे, हम यूक्रेन को हर संभव मदद करेंगे, आज के टाइम में क्यों उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो पुल बैक कर लिया, ये भी देखेंगे। और इन सभी चीज़ों ने चाइना को किस तरह से फाइनली एक ब्लूप्रिंट रेडी करके दे दिया है कि वो ताइवान को एनेक्स कर सके। और भारतीय गवर्नमेंट द्वारा जो फाइनली ऑपरेशन गंगा चलाई जा रही है, हम लोग इस सिचुएशन की भी बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए तो अचानक की एक बात याद आती है दोस्तों कि गोल्ड इन द फ्रंट फॉर्म हाउस कैन ओनली फॉर द कंसोलमेंट नॉट फॉर द कंट्रीब्यूशन। यानी आपका कितना भी बड़ा हथियार हो, कितना भी आप अमीर हो, अगर आपने किसी और के पास इसको रख रखा है, दे रखा है, तो वो सिर्फ आपके मानसिक सांत्वना प्रदान कर सकती है, आपको जरूरत के वक्त यूज नहीं आएगी। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि आपके नेटो ने, यूएस एलाइज ने, कनाडा ने, बाकी कंट्रीज ने भर भर के यहाँ पर इनको कंसोल किया कि हम आपके साथ हैं, हम आपको आर्म सप्लाई करेंगे, हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, हम रूस पे प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन फाइनली जब बारी आती है उस चीज़ की और वो काम परफॉर्म करने की, तो यहाँ पर जो यूक्रेन है वो अकेला पड़ गया। एक फोटो शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, ये यूक्रेनियन कमांडर हैं, देखिए इनको पता है कि युद्ध के रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो हम सभी को पता है कि जो रशियन आर्मी है आज के टाइम में वो वर्ल्ड नंबर टू की आर्मी काउंट होती है इन द बाय द आप कह सकते हो कि फोर्स और उनकी जो स्ट्रेंथ है, पावर स्ट्रेंथ है, प्लस में वो न्यूक्लियर कैपेबल है और दुनिया की सबसे ज़्यादा जो नाभिकीय हथियार हैं उन्हीं के पास है। फिर आप देखो कि उनके पास जो डिफेंस लाइन है वो S-400, S-500 जैसे उनके पास डिफेंस लाइन है। अटैक की बात करो तो S-35, S-57 जैसे उनके पास एयर सुपेरियरिटी आपके फाइटर जेट्स हैं। तो उनके सामने इनको पता है कि हम कहीं नहीं टिकेंगे अगर आपकी कोई दूसरी कंट्री यहाँ पर मध्यस्थता नहीं करती है या सपोर्ट में नहीं आती। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि वतन पे मर मिटना सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो ये कमांडर कहीं ना कहीं अपने पूरे फ्लीट को लीड कर रहा है, आपकी पूरी आपकी जो ब्रिगेड है, जो यूनिट है, उसको लीड कर रहा है इसी उम्मीद के साथ कि कल कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में कुछ तो सुकून के पल आएंगे। तो इनके लिए एक सैल्यूट बनता है दोस्तों। फिर देखिए तो कुछ आपके लिए सवाल हैं जो आपके यूपीएससी और बाकी एग्जाम पर्पज से हो सकते हैं, तो आप इन दोनों सवाल को ट्राई करके देखिएगा। वीडियो के अंत में हम इनके जवाब की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इनकी अगर लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो देखिए आपके यहाँ आपका इंडिया है और आपके देखोगे तो ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका ईस्ट यूरोप का पार्ट माना जाता है। और ईस्ट यूरोप मैंने बताया कि ये प्राचीन काल से ही, खास तौर पे 13 सेंचुरी के बाद की बात करो, जब से आपका ओटोमन एम्पायर आया तब से ये जो है आपकी यूरोप और जो एशिया है या फिर आपके जो ओटोमन एम्पायर है, ये हमेशा से वो हलचल वाला क्षेत्र रहा है दोस्तों, जिसके कारण आपका देखोगे कि वर्ल्ड वॉर वन होता है आपका सर्बिया अटैक, वर्ल्ड वॉर टू होता है पोलैंड अटैक। और अभी भी अगर आप देखो कि यहाँ पर अगर आपकी बाकी कंट्री यहाँ पर कूदती तो आपका वर्ल्ड वॉर थ्री जैसा सिचुएशन बनता, और वो भी आपका इसी ईस्ट यूरोप के पार्ट के कारण ही होता।
तो ये हमेशा से वो क्षेत्र है जिसने बारूद के ढेर पे चिंगारी लगाने का काम किया है। अब देखेंगे हमारे एग्जाम पर्पस से कि कौन कौन से यहाँ पर वाटर बॉडीज हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर अटलांटिक सी है, जब यहाँ से हम जाना चाहेंगे उधर यूक्रेन के साइड में तो बीच में हमें मिलेगा जिब्राल्टर, तो हमको जिब्राल्टर स्ट्रेट मिलेगा। फिर हमको मिलेगा अल्बोरॉन सी। फिर यहाँ पर अगर आप देखिए तो इस क्षेत्र में आपको मिलेगा एक बाल्टिक सी, बीच में आपका एक आइलैंड मिलेगा पाल्मा। फिर देखिए यहाँ पर टायरेनियन सी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेडिटेरेनियन के आइलैंड बहुत बार पूछे गए हैं। फिर इटली के पास देखिए तो एड्रियाटिक सी है, माल्टा एक आइलैंड है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर इटली और ग्रीस के बीच आयोनियन सी आपको देखने को मिलेगा। इस वाले क्षेत्र में अगर आप चले तो यहाँ पर ग्रीस और आपके तुर्की के बीच एक एजियन सी है और इसी एजियन सी के थ्रू आपको इधर जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक आपको स्ट्रेट मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डार्डेनिल्स स्ट्रेट, और ये वो नैरो स्ट्रेट किसको बोलते हैं दोस्तों, तो स्ट्रेट एक आपको मैं बताते चलूँ कि वो नैरो पार्ट होता है आपके वाटर बॉडीज़ का जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो आपको एजियन सी के थ्रू आप डार्डेनिल्स में आओगे स्ट्रेट में, फिर आप आओगे सी ऑफ मार्मारास, और यहाँ पर आप देखोगे ये तुर्की का पार्ट है। इस्तानबुल शहर मिलेगा दोस्तों, जो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, सॉरी इकलौता ऐसा शहर है जो आपके दो अलग कॉन्टिनेंट में फैला है। अगर आप इस्तानबुल की बात करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा बास्पोरस सी, सॉरी बास्पोरस स्ट्रेट, तो वो भी आपको याद रखिएगा जो आपके यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक सी। फिर इस क्षेत्र में आओगे ये आपका क्रीमिया हो गया, और क्रीमिया के बाद यहाँ मिलेगा आपको कर्च स्ट्रेट, और उसके बाद तमान वे या तमान की खाड़ी भी इसको बोलते हैं दोस्तों, और फाइनली इसके बाद आपको मिलेगा सी ऑफ एजोब। इस एरिया में देखिए तो बे ऑफ अरवाट और सहवास लेक मिलेगा, जहाँ पर आपको ये एक तरह से पूरा जो है आपका उनको एक्सेस प्रदान करता है आपके थ्रू द मेडिटेरेनियन। तो ये वाटर बॉडीज आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लस में यहाँ पर एक आपको बता दूँ तो एक यूक्रेन का पोर्ट है जिसको बोलते हैं ओडिसी पोर्ट, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वाले क्षेत्र की अगर बात करें यूक्रेन की, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पार्क कोस गल्फ मिलेगा, और इस वाले क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपका क्रीमिया और उसके बीच वही फाइनली आपका सेल्वास वाला जो लेक है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी चीज़ों को आप अपने एग्जाम पर्पस से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम पर्पस से आपकी वाटर बॉडीज हमेशा से यूपीएससी का और बाकी एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है, और जिसने हमेशा से आपके अच्छे मार्क्स प्रोवाइड किए हैं। तो इसको एक बार आप थ्रू आउट समझिएगा, एक बार हो सके तो वीडियो को रिवाइज करके समझिए, लेकिन समझिएगा। फिर देखिए कुछ इमेजेस हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और वो इमेजेस हैं आपकी इस विध्वंस युद्ध की। देख सकते हो इन इन तस्वीरों को दिखाने के बाद हमें नहीं लगता कि कुछ डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये निशब्द कर देते हैं दोस्तों कि कैसे एक पावरफुल कंट्री जो है वो एक छोटे से कंट्री पे सिर्फ जो है चंद इश्यूज के कारण यहाँ पर अटैक करता। और इससे भी बड़ी बात है कि ये युद्ध उन परिस्थितियों में होती है जब आपके पास जो है नाटो है, जब आपके पास यूएन है, जब आपके पास जो है G20, G7 जैसे आपके जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कहीं ना कहीं आपको पूरे वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने में एक हेल्प कर सकते। यहाँ पर अपने आप को हिमायती बताने वाले वर्ल्ड के यूएस, आपके जापान, चाइना जैसे देश हैं जो, और इंडिया भी उसमें शामिल है दोस्तों, क्योंकि हम भी कहते तो हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम लोगों को दुनिया को लीड करेंगे, लेकिन जब वाकई इस ढंग के सिचुएशन आती है तो हम भी कहते हैं ना कि अपना स्वार्थ सब सर्वोपरि होता है, तो हम भी अपने स्वार्थ के वश में अभिभूत हो जाते हैं। तो फिर देखिए तो अभी के सिचुएशन क्या है, तो अभी के सिचुएशन देखिए यहाँ पर पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस वाले क्षेत्र में प्रॉब्लम थी डोनबास और लुहांस्क वाले में, क्योंकि हमने बोला था कि इधर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर रशियन आपके इथनिसिटी से बिलोंग करते हैं और वो अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। लेकिन अभी चूंकि इस वाले क्षेत्र में इतना बवाल हुआ और पूरे नाटो यहाँ पर लग गए कि हम इस वाले क्षेत्र को भी जो है रूस को एक ना तो सोबरन स्टेट घोषित करने देंगे ना ही उसको अटैक करने देंगे, और तो रूस ने फिर फाइनली देखिए यहाँ पर जो बेलारूस है उसके थ्रू और एक यहाँ पर आपको देश मिलेगा छोटा सा, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मालडोवा।
इन सब के थ्रू जो है यहाँ पर एक चौतरफा अटैक किया है। और आपको पहले ही ये पता है कि ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था क्रीमिया, जिसको रूस ने 2014 में ही एनेक्स कर दिया। और अभी की सिचुएशन ये है कि ना सिर्फ ये वाला पार्ट, आज के समय में पूरी आप यूक्रेन को देख लो तो एक तरह से यूएस अटैक, ये सॉरी रशियन अटैक के अंतर्गत है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज की जो उनकी आर्मी है कहीं ना कहीं ये कीव तक पहुँच चुकी है। और इन पूरे एरिया पे देखोगे तो उनका जो है अटैक है, या उनका जो है एक कह सकते हो कंट्रोल है। यहाँ भी देख सकते हो कि एक रशियन फ्लैग को फ्लैग बीरर है जो आपकी फ्लैग को यहाँ पर लगाता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लोगों को देखो तो ट्रेनें में, एयरपोर्ट में भर भर के वो चीज़ों को कर रहे हैं। फिर आप देखोगे तो ये आपकी रशियन की जो ट्रक है देखो, तो ये आपकी यूक्रेन के रोड्स पे या यूक्रेन बॉर्डर में इंटर कर रहा है। तो इस तरह के इमेजेस अब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किस तरह से आपकी वहाँ पर हुई है, तो एक मिनट के लिए अगर आप उसके स्ट्रेंथ को देखो तो यूक्रेन की जो फोर्सेज हैं वो लगभग आपके 2.5 लाख के पास है। रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो लगभग 9 लाख के पास हैं, जबकि रशियन की बात करें तो यहाँ पर देखो कम से कम उन्होंने चारों तरफ से अगर बात करें तो 3 से 4 लाख फोर्सेज ऑलरेडी उन्होंने लगा रखे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला, उनके पास एविएशन है, एम्यूनेशन है, उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास जो मिसाइल सिस्टम है, गाइडेड डिफेंस सिस्टम है, हर चीज़ उनके पास है। जिनके कारण क्या हो रहा है कि वो पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी बस अपने आप को डिफेंड करने का एक विफल प्रयास कर रही है। फिर यहाँ पर देखिए, इन्होंने बहुत चतुराई भरा तरीके से बेलारूस के थ्रू एक टैंक फ्लीट को भेजा और इधर क्रीमिया के थ्रू, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पहले यूक्रेन की आर्मी इधर थी, जो इस डॉनबास वाले एरिया में इनका मुकाबला करने के लिए खड़ी थी, अभी उनको क्या है कि आपकी जो उनको रीइन्फोर्समेंट मिलनी चाहिए थी, इन्होंने उनको ही ब्लॉक कर दिया। और आज के टाइम में देखोगे तो यूक्रेन बात करना तो चाह रहा है, लेकिन अब रूस जो है वो कह रहा है कि अगर मैं बात भी करूंगा तो अपने ही शर्तों पे करूंगा। और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पूरी वर्ल्ड लेवल पे आपको एक प्रेशर पॉलिटिक्स नज़र आएगी। और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण आप देखोगे कि या तो अगर यूक्रेन को आज़ाद छोड़ा भी जाता है तो उसके बदले में रूस जो है अपने ऊपर लगे सैंक्शंस जो है, एक तो उनको कम करवाएगा और दूसरा इस वाले क्षेत्र को वर्ल्ड लेवल पे वो एक सोवरेन स्टेट जो है वो घोषित करवाने का प्रयास करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर देखिएगा कि आपकी पूरी की पूरी यूक्रेन जो है उसके हिस्से पे आपका रूस का कब्जा रहेगा। और जितने भी सैंक्शन लगाने हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्ल्ड में ऐसे भी कंट्री हैं जो आपके रूस के थ्रू व्यापार करने के लिए तत्पर है, जिसमें हमारा भारत भी है। अगर आप 2-3 दिन पहले की आर्टिकल देखो तो देखो जब सैंक्शन लगती है तो वहाँ पर जो US डॉलर है आप अगर उसको यूज़ करते हो तो फिर आपके ऊपर सैंक्शन लगता है, जब आप उनके ऊपर ट्रेड करते हो US डॉलर में तो फिर आपके ऊपर ट्रेड ये सैंक्शन लगता है। अभी आपको पता होगा कि जो आपके नेटो मेंबर के प्रयास से एक स्विफ्ट एक प्रणाली होती है जो पूरी वर्ल्ड की बैंकिंग सिस्टम का कोर है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि स्विफ्ट एक प्रणाली है जो पूरे वर्ल्ड की जितने भी आपके सेंट्रल बैंक हैं और बाकी जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कनेक्ट करता है। अभी रूस को उसके प्रयोग से भी बैन कर दिया गया, तो रूस तो परेशान ज़रूर होगा, लेकिन हमारे इंडिया और चाइना जैसे जो देश हैं वो जो है अपनी करेंसी में, रुपीज़ में, येन में, सॉरी येन बोल रहा हूँ, युआन, रेनमिनबी में वो ट्रेड करने को इच्छुक होंगे और यहाँ पर रूस भी उनके साथ इच्छुक होगा। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा सैंक्शन का, क्योंकि आपकी आज के टाइम में वोलाटाइल करेंसी यूज़ होती है। पूरी दुनिया आज के टाइम में सिर्फ डॉलर या पाउंड पर डिपेंडेंट नहीं है, तो रूस का इसके ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये थोड़ा समझिएगा। अब नाटो की बात करते हैं कि जिसने पूरी ये खेल रचा, रूस की तो गलती यहाँ पर बिल्कुल सरासर आप कह सकते हो, या उसका एक हस्तक्षेप मान सकते हो कि इस क्षेत्र को स्वतंत्र कराने में उनका हाथ है, लेकिन उससे भी बड़ा अगर मैं व्यक्तिगत रूप से हाथ मानूँ तो इस नाटो एरिया का है, क्योंकि इसने उस चीज़ को बिल्कुल अपने तरफ से सपोर्ट किया। तो जब आप किसी को सपोर्ट करते हो और उसके बाद बीच मझधार में छोड़ रहे हो तो ये एक बहुत ही कह सकते हो कि घटिया लेवल की आप विदेश नीति कह सकते हो, बहुत ही एक गलत ढंग की विदेश नीति है। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि रूस की कोई एक अपनी स्वार्थ वाली मंशा है, इसके पीछे देखिए 2-3 कारण है। एक तो यहाँ पर US जो है ऑलरेडी आपका इराक अफगानिस्तान का युद्ध में बहुत सारे अपने सेनाओं को गंवा चुका है,
तो वो दूसरे जगह अपने फ्लीट अपनी सेनाएं भेजना नहीं चाह रहा। दूसरा, इनको पता है कि हम यहाँ पर रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में हम अपने आर्मी को भेजते हैं तो यहाँ पर आप देखो बेलारूस और मोल्डोवा के थ्रू रूस जो है पूरे एरिया को कट कर सकता है, और यहाँ पर हमारे लिए एक कह सकते हो कि लैंड लॉक्ड आर्मी वाली सिचुएशन हो जाएगी और ब्लैक होल टाइप की हो जाएगी कि वो कभी निकल नहीं पाएंगे। तीसरा, यहाँ पर जो नेटो के बीच में कभी आपकी यूनिटी बनी ही नहीं, जर्मनी जैसे कंट्री जो यहाँ पर इनके रूस के थ्रू आपकी गैस पाइपलाइन जिसने बिछाया है नॉर्ड स्ट्रीम, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो ऐसे कंट्री भी ये चाह रहे हैं कि रूस के ऊपर सैंक्शन तो लगे लेकिन रूस के ऊपर जो है नेटो का किसी तरह के हस्तक्षेप ना हो। और जो आपकी यहाँ पर नेटो की एक प्रिंसिपल रही है कि आपकी कोई नेटो उसी कंट्री की हेल्प कर सकता है जो नेटो का मेंबर है, और यहाँ पर यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर बना नहीं था। तो ये एक सारे इश्यूज रहे हैं जिसके कारण आप देखोगे कि नेटो जो है इनकी हेल्प नहीं कर पाया। एक तो यूनिटी की इशू थी, दूसरा आप देखोगे कि यूक्रेन इसका पार्ट नहीं रहा है, और तीसरा इनको पता है कि अगर हम इस यहाँ हेल्प करते भी हैं तो हम किसी भी कंडीशन में रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर नेटो की बात करें तो इसको आप कहीं कहीं देखोगे ओटान भी लिखते हैं। नेटो आपका इंग्लिश टर्म हो गया और ओटान जो है वो फ्रेंच टर्म होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन डू ट्रीटेड डू अटलांटिक नॉर्ड। ये अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। और इसमें आपकी टोटल अभी के टाइम में 30 कंट्री हैं, जिसमें आप देखोगे कि 28 जो है आपकी यूरोपियन कंट्री हैं और 2 आपकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री यूएसए और कनाडा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब इतने बड़े नेटो के पास होने के बावजूद जब नेटो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पाई, तो आप जो ये कैसे मान सकते हो कि यहाँ पर जो ताइवान है जिसको आज के टाइम में यूएस या बाकी पूरी ग्लोबल मीडिया जो है आपकी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन दिलवाने के लिए प्रेरित है या उनको ये अपना दर्जा दे रही है, कैसे चाइना उसको छोड़ देगा? आज के टाइम में अगर आप चाइना की स्ट्रेंथ देखो, उसकी सुपेरियरिटी देखो, उसका जो है संपन्नता देखो, फाइनेंशियल देखो, तो रूस के मुकाबले ये कई गुना ज़्यादा समृद्ध, सशक्त और शक्तिशाली देश है। और दूसरा, अगर आप देखोगे साउथ चाइना सी की लोकेशन तो ये आपका बहुत ही अलग है। वहाँ पर आपके नेटो के मेंबर्स हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे आपके जो एलाई हैं जो किसी भी सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आप देखो तो जो आसियान कंट्री हैं ये चाइना के साथ अपने रिश्ते कभी नहीं बिगाड़ना चाहेंगे सिर्फ ताइवान इशू को लेकर के। दूसरा, यहाँ पर देखिए चाइना की वो 9-डैश लाइन वाली पॉलिसी, आपको पता होगा कि इसने बहुत सारे एरिया को अपना जो है कह सकते हो मरीन एरिया घोषित कर रखा है, जिसमें उसने दूसरे कंट्रीज के भी जो आपके आइलैंड है पार्सल आइलैंड, फिर आपके स्पार्टली आइलैंड, यहाँ पर देखिए स्कॉर्पो जो सोल्स हैं, इस पे उसने अपना दावा दिखा रखा। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर उसने जो है आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं ताकि उन पे वो अपना जो है बेस बना सके और इस तरह की चीज़ें बना सके। अगर हम इस एरिया में एक कंपेयर देखें यूएस और यूके की प्रेजेंस का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओकिनावा जो कि जापान का आइलैंड है, सिंगापुर, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और बाकी कुछ कुछ एरिया में जैसे गुआम आइलैंड है और इस तरह की चीज़ों पर आपको आपकी इस तरह की प्रेजेंस आपको दिख जाएगी इन द पैसिफिक ओशियन, जो वेस्टर्न पैसिफिक हम लोग इसको बोलते हैं, तो वेस्टर्न पैसिफिक में आपको ये दिख जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में यूएस या बाकी कंट्री जीत नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर एक तो इनका जो अपना डिफेंस सिस्टम है, ये देखिए खुद मैं यूएस की एक एजेंसी की बात कर रहा हूँ कि यूएस की एक एजेंसी है वेस्टर्न पैसिफिक जो फ्लीट है, उसने ये बोला है या तो यूएस इस सिचुएशन को कभी जीत नहीं सकता या उसको कभी वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि या तो यूएस की जो आइलैंड है वो इतने पास है कि वो चाइनीज अटैक से बच नहीं सकते, या फिर वो इतने दूर है कि वो किसी भी काम के नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है रेंज और एंड्योरेंस की प्रॉब्लम आएगी और किसी भी सिचुएशन में यहां पर वो जीत नहीं सकता। फिर देखिए चाइना के पास एक और इशू है, एक तो वो यहाँ पर उसके पास देखोगे हाल ही में उसने हाइपरसोनिक जो है मिसाइल सिस्टम जो है उसको टेस्ट किया, यानी जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज के टाइम में चाइना इकलौता ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो साउंड की गति से 5 गुना से ज़्यादा तेज गति से वो प्रहार कर सकता है, तो वो एक इशू रहेगा।
फिर आप देखो, जैसा कि रूस के मामले में भी हुआ कि अगर आप यूएन के द्वारा यहाँ पर सैंक्शन भी लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसा रूस है वैसा ही आपका चाइना भी जो है, उसके P5 जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है, आपकी रूस, चाइना, फ्रांस, यूके और यूएसए, तो ये भी P5 का एक इम्पोर्टेंट परमानेंट मेंबर है। तो ये किसी भी आपकी जो प्रपोजल आएगा सैंक्शन का या दूसरी चीज़ों का, या फिर मान लीजिए यूएन की तरफ से आपकी पीस फ्लीट का या पीस आपकी फोर्सेस का यूज़ का, तो उसको ये इजीली वीटो कर सकता है। और जब भी आपको पता है कि एक P5 के कंट्री ने वीटो कर दिया, तो वो पूरा प्रपोजल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर आप देखोगे तो ये वो एरिया है कोरल का या जो भी आपका रीफ का, जहाँ पर वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, और यहाँ से वो और ज़्यादा एडवांस एक्सेस जो है आपको वो आपका चाइना प्राप्त कर सकता है। और ये पूरा का पूरा इशू यहाँ पर जो है वो इजिली टैकल कर पाएगा, इनफैक्ट रूस से भी ज़्यादा ईजी तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ताइवान है, वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना इसको बहुत ही जल्द आप देखोगे कि ऐसा कुछ हरकत करेगा। फिर यहाँ पर एक और यूएसए का डर होगा दोस्तों, और वो डर है आपका ये कंट्री। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको कंट्री देखने को मिलेगी, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो जब आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाले पार्ट में, सॉरी इसके थोड़ा ऊपर है मैप में, आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इस वाले सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वाले क्षेत्र में आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जैसे कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वाले क्षेत्र में आपको क्या होगा कि नॉर्थ कोरिया हमेशा से जो है वो यूएस का एक बहुत ही कट्टर दुश्मन रहा है। और आज के टाइम में आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास आपकी जो है न्यूक्लियर पावर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है और लॉन्ग रेंज की मिसाइल सिस्टम है, तो वो कभी भी जो चाइना है युद्ध के हालात में या टेंशन के हालात में उस चीज़ का भी उपयोग करेगा। तो आज के समय में क्या है कि आपका चाइना को एक बना बनाया ब्लूप्रिंट मिल गया कि किस तरीके से आपके ताइवान की एनेक्सेशन की जा सकती है और कैसे पूरे चीज़ों को यहाँ पर वो इजिली टैकल कर सकता है। फिर देखिए, भारत सरकार की एक ऑपरेशन यहाँ पर चलाई जा रही है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन गंगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ऑपरेशन गंगा क्या, जैसे हमारे कोविड के टाइम में ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था, सेम यहाँ पर ऑपरेशन गंगा, जिसमें जो है यूक्रेन में फंसे जो भारतीय हैं उनको रोमानिया और हंगरी के थ्रू जो है यहाँ पर जो है एयर फ्लीट के द्वारा या एयर जो पिकअप आप कह सकते हो कि उसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा बाय द एयर इंडिया। और इसी को हम लोगों ने आपका ऑपरेशन गंगा बोला है। शुरुआत में यहाँ पर जो है इनकी पूरी टिकट की फ़ी इनको खुद ही बेयर करनी थी, लेकिन जब से ऑपरेशन गंगा आपकी स्टार्ट हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि ऑपरेशन वंदे भारत के अपोजिट ऑपरेशन गंगा में सारा जो खर्च होगा वो आपकी भारत सरकार बेयर करेगी। ये उनके लिए थोड़ा सा एक टफ सिचुएशन भी होगा, क्योंकि युद्ध के हालात के बीच में जहाँ पर आपको ऑलरेडी वहाँ पर फाइटर प्लेन और ये सब चल रहे हैं, तो बाई मिस्टेक आपकी जो कमर्शियल प्लेन है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा हिट होने के चांसेस रहते हैं। फिर देखिए, अभी कुछ कुछ लोग जो वहाँ फंसे हैं, जो बंकरों में हैं, वो यूक्रेन की सिचुएशन को बिल्कुल नर्क जैसी, हिल जैसी सिचुएशन बता रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना ही बुरा हालात रहा होगा और ये भारत अपने देश आकर के कितना सुकून महसूस कर रहे होंगे। तो ये तो आपका पूरा ये, अगर हम लोग बात करें उस दोनों क्वेश्चंस की जो उम्मीद है आप लोगों ने पहले ही ये किया होगा। और तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी मेडिटेरेनियन से यूक्रेन की तरफ जाने पे आपके कौन कौन सी वाटर बॉडीज फॉलो करनी पड़ेगी। एजेंसी, बिल्कुल आपने देखा था कि एजेंसी आपका ग्रीस और आपके टर्की के बीच में है, तो आपको वो देखने को मिलेगा। इसको हर हालत में आपको बाई बाई मरीन आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा। सी ऑफ मारमारा, ये हमने देखा था, ये आपका पड़ता है। और उसके बाद फिर आपका बॉस्फोरस सी, ये इस्तानबुल के पास आपको देखने को मिल जाएगा। और ब्लैक सी, ये आपको देखने को मिल जाएगा टर्की और यूक्रेन के बीच में। जो ये आयोनियन सी है, आयोनियन सी हम लोग को देखने को मिलता है, ये हमको देखने को कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा हम लोग को आपकी ग्रीस के नीचे और इटली के बीच में, अगर देखोगे जो माल्टा के पास, तो वहाँ पर ये आपको आयोनियन सी देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेडिटेरेनियन से यूक्रेन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पहले एजियन सी, फिर आपके डेंड्रलालिस स्ट्रेट, फिर आपको सी ऑफ मारमारास, फिर आपको बास्पोरस स्ट्रेट, फिर आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। और अगर आप क्रीमिया की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पर केर्च स्ट्रेट, तमान की खाड़ी, और फिर आपको सी ऑफ एजोब भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी सिचुएशन थी, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका एजियन सी, मारमारा, बास्पोरस और ब्लैक सी होगा, यानी ए बी सी और डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्रीमियन पेनिनसुला के बीच है। तो क्रीमियन पेनिनसुला आपका किस दो वाटर बॉडीज के बीच है? सी ऑफ मारमारा, ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी कैस्पियन सी, और सी ऑफ एजोव एड्रियाटिक। तो सबके लोकेशन देखते हैं, तो आपकी जो मारमारा है ये मैंने आपको बताया ये आपका टर्की के पास है, तो ये होगा नहीं। ब्लैक सी एक है, तो ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ब्लैक सी और कैस्पियन। ब्लैक सी तो आपके यूक्रेन के पास है, क्रीमिया के पास है, लेकिन कैस्पियन सी आप देखते हैं कि ये जो आपका जो है आपकी रूस, ईरान और कजाकिस्तान इस वाले क्षेत्र में है, तो ये आपको वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सी ऑफ एजोव यहाँ पर तो ठीक है, बट एड्रियाटिक आपको इटली के पास देखने को मिलेगा, तो आप एटलस को एक बार खोल करके रखिएगा और उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए वाटर बॉडीज़। तो उससे आपको क्या होगा कि एक तो आपकी वाटर बॉडीज़ याद रहेगी, जो यूपीएससी का बहुत ही एक फेवरेट टॉपिक रहा है, और दूसरा इसके थ्रू आप मैप को बहुत ही ईजी वे में आप समझ पाएंगे, रीड कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दें चीज़ों के, क्वेश्चंस करें और हो जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को शेयर करें, ताकि हमें भी आपकी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।